नैना देवी मंदिर, सरहिंद शहर, पंजाब। पंजाब राज्य के फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद शहर में स्थित है माता नैना देवी मंदिर। सरहिंद फतेहगढ़ साहिब से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। फतेहगढ़ साहिब और सरहिंद शहर दोनों का सिख इतिहास में खास महत्व है। सरहिंद की सरजमी सिख इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं की मूक साक्षी रही है। सिखों और मुगलों के बीच सरहिंद फतेहगढ़ साहिब में लंबे समय तक सत्ता का संघर्ष चला। सरहिंद की भूमि पर अनेक घमासान युद्ध लड़े गए। यहीं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटों 9 वर्षीय फतेह सिंह और 7 वर्षीय जोरावर सिंह को तत्कालीन मुगल फौजदार वजीर सिंह ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। इसी सरहिंद नगर में स्थित है माता नैना देवी का प्रसिद्ध मंदिर, जहां जाकर माता के भक्तगण बड़ी भक्ति भाव से शीश झुकाते हैं। वैसे नैना देवी का प्रसिद्ध शक्तिपीठ यहाँ से थोड़ी ही दूर हिमाचल प्रदेश के विलासपुर में स्थित है। शक्तिपीठ वे स्थान है जहाँ भगवान शिव की पत्नी सती के अंग गिरे थे। देवी के भक्तों के लिए शक्तिपीठों का बड़ा महत्व है। शक्तिपीठों के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। सती के पिता राजा दक्ष ने एक बार यज्ञ किया, किंतु उसमें शिव को नहीं बुलाया गया। शिव के मना करने पर भी सती वहां जा पहुंची, लेकिन वहां अपने पति शिव का अपमान होते देख उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण दे दिए। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस होने के पश्चात उन्मत्त शिव जब सती की पार्थिव देह को उठाकर हिमराज की पर्वत श्रृंखलाओं को पार करते हुए तीव्र गति से चले, तो भगवान विष्णु ने जगत कल्याण के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर के टुकड़े कर दिए। जिन जिन स्थानों पर माता सती के अंग कट कर गिरे थे, उन स्थानों को उसी नाम से शक्तिपीठ के रूप में ख्याति मिली। जहां माता सती के नैन गिरे, उस स्थान को नैना देवी शक्तिपीठ नाम मिला। सरहिंद शहर में स्थित माता नैना देवी मंदिर के चारों ओर हरियाली बिखरी हुई है। मंदिर के आसपास के वातावरण को देखकर मन को असीम शांति मिलती है। मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। मंदिर को बड़े खूबसूरत तरीके से तराशा गया है। मंदिर के एक हिस्से में पहाड़ों के बीच भगवान शंकर और माता पार्वती को विराजमान दिखाया गया है। भगवान शिव शंकर संसार के सृजनहार हैं। उन्होंने संसार को नष्ट होने से बचाने के लिए भयानक कालकूट विष को पी लिया था, जिस कारण उनका गला नीला पड़ गया था। इसी से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी है। दोनों की प्रतिमा एक मंडप में स्थापित है।
शिव पार्वती का ये मंडप बहुत खूबसूरत है। मंडप के ऊपर शिवजी का प्रिय शस्त्र त्रिशूल स्थापित किया गया है। भगवान भोले शंकर और माता पार्वती की प्रतिमा बहुत ही दर्शनीय है। भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा में तैनात शिव के गण वीरभद्र की प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित है। वीरभद्र शिव का एक बहादुर गण था, जिसने अपने स्वामी शिव के आदेश पर दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। देव संहिता और स्कंद पुराण के अनुसार शिव ने वीरभद्र को अपनी जटा से उत्पन्न किया था। मंदिर के एक हिस्से में पवन पुत्र हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। हनुमान जी अपने एक हाथ में पर्वत को उठाए हुए हैं। राम रावण युद्ध में जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति मारी थी, तब उनके उपचार के लिए संजीवनी बूटी लाने गए हनुमान जी पूरे पर्वत को ही उठा लाए थे। हनुमान जी अपने भक्तों पर आने वाले सभी संकटों को एक पल में दूर करते हैं, इसीलिए उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। माना जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनुष्य के सारे दुख दर्द और संकट दूर हो जाते हैं। मंदिर में एक स्थान पर अखंड ज्योत प्रज्वलित है। मंदिर में ये अखंड दिया बहुत लंबे समय से बिना बुझे जल रहा है। मंदिर में इस अखंड ज्योत की बहुत मान्यता है। इस अखंड ज्योत को माता के वरदान की तरह माना जाता है। कहा जाता है कि मात्र इस अखंड ज्योत की एक झलक पाने से मन को असीम शांति मिलती है और मन में नई उमंग जागती है। पंजाब के सरहिंद शहर के नैना देवी मंदिर में श्री राम दरबार स्थित है। इसकी स्थापना श्री मोहन लाल गाजरी ने 16 फरवरी 1988 को शिवरात्रि के शुभ अवसर पर की थी। राम दरबार में भगवान राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण और हनुमान जी की अत्यंत दर्शनीय प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान राम ने अपने जीवन काल में मर्यादा का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा किया। राम के चरित्र की महानता का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उनकी कथा को देश की ही नहीं बल्कि विदेश की भी लगभग हर भाषा में लिखा गया है। राम ने रिश्तों की मान मर्यादा को कभी भंग नहीं किया और अपनी प्रजा पर कभी कोई संकट नहीं आने दिया। जनक दुलारी सीता भगवान श्री राम की पत्नी है। माता सीता ने अंत समय तक अपने पति की मर्यादा को ठेस नहीं लगने दी, भले ही इसके लिए उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। मंदिर में श्री भगवान रामचंद्र की चरण पादुका भी स्थापित है। भक्तगण भगवान राम की चरण पादुका को नमन कर भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था को जाहिर करते हैं। इनके निकट ही पालने में झूलते लड्डू गोपाल श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थित है। श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने दुष्टों का नाश करने के लिए ये अवतार लिया था। पंजाब के सरहिंद शहर के नैना देवी मंदिर में पुजारी जी द्वारा मां नैना देवी की आरती की जाती है। ज्योत जलाकर घंटे के नाद के साथ माँ की आरती की जाती है। मंदिर में दिन में दो बार आरती की जाती है, एक आरती सुबह और एक रात को। हिंदू धर्म में आरती का बहुत मान है। आरती के माध्यम से देवता का आह्वान किया जाता है। कहा जाता है कि कोई भी पूजा बिना आरती के संपन्न नहीं होती। माना जाता है कि आरती करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करते हैं। मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है।
मंदिर में विभिन्न देवी देवता विराजमान हैं। भक्तगण यहां आकर एक साथ कई देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। रात को यहाँ का नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। रात में रंग बिरंगी दीप लड़ियों से मंदिर को सजाया जाता है। रंग बिरंगी दीप लड़ियों से सजा मंदिर साक्षात देवलोक दिखाई देता है। मंदिर की इस दीप सज्जा को देखने रात में यहाँ बड़ी संख्या में भक्तगण आते हैं। मंदिर का ये मनभावन नजारा देखकर मन आनंद से भर उठता है। कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। बज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद। पंजाब के सरहिंद शहर के नैना देवी मंदिर में अम्बे जगदम्बे माता शेरावाली विराजमान हैं। माँ शेरावाली सदा अपने वाहन शेर पर सवार रहती हैं। इसी कारण उनका नाम माँ शेरावाली पड़ा। समय समय पर माता के जगराता का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें माता के भक्त बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। जगराता भक्ति साधना का एक उपाय है। माता के जगराते का बहुत महत्व है। जगराता माँ को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जगराते में माँ की महिमा का गुणगान किया जाता है। इससे देवी माँ अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं और उन्हें मन चाहा फल प्रदान करती हैं। भक्त भी माता के जगराते में पूरी श्रद्धा से हिस्सा लेते हैं। जगराते से भक्तों के मन को गहरी शांति मिलती है और उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। माँ शेरा वाली, माँ मेरा वाली, माँ अम्बे, माँ दिगदम्बे, सुनहरी नेत्रा वाली माँ को चरण की पुस्तक, बहनों भावो बच्चों बूढ़े बुजुर्गों संतों भक्तों सबको पहला रसना भी करो बुलकर मेरिया ते मेरे मंडल दिया हाजरिया परिवार मेरा नाम अनाउंस होता सी कि सुन में गुला पोरी ना हाथ उठे करके कहता सी जय माता दी हाथ थोड़ के उठे महामाई का मैं शुक्र गुजार अक्सर जागरण करना मौका मिलता है। महामाई के पावन नाते चल रहे हैं
ਅਕਸਰ ਜਾਗਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਸੁੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਗਿੱਧਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਵਰਗ ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬੱਚੇ, ਸਵਰਗ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ। मैया जी के नाम को मन में बसा लो, मैया जी के नाम को मन में बसा लो, मैया जी से लगाने लगा लो लगा लो, मैया जी से लगाने लगा लो। मैया जी के नाम को मन में बसा लो, मैया जी के नाम को मन में बसा लो। तन मन में माँ की मूरत समा लो, माँ के नाम से प्रीत लगा लो प्रीत लगा लो, माँ से प्रीत लगा लो। तन मन में माँ की मूरत समा लो, मन मंदिर में माँ को अपने बसा लो, मन में बसा लो मैया को मन में बसा लो। मैया जी के नाम को मन में बसा लो, मैया जी के नाम को मन में बसा लो, मैया जी से लगाने लगा लो लगा लो, मैया जी से लगाने लगा लो। मैया जी के नाम को मन में बसा लो, मैया जी के नाम को मन में बसा लो। मन से मैया का ध्यान लगा लो, मैया जी के चरणों में ज्योति जगा लो ज्योति जगा लो, चरणों में ज्योति जगा लो। मैया जी की भेंटे गालो गुनगुना लो, मैया जी के तुम जयकारे लगा लो जयकारे लगा लो, मैया के जयकारे लगा लो। मैया जी के नाम को मन में बसा लो, मैया जी के नाम को मन में बसा लो, मैया जी से लगाने लगा लो लगा लो, मैया जी से लगाने लगा लो। मैया जी के नाम को मन में बसा लो, मैया जी के नाम को मन में बसा लो, मैया जी से लगाने लगा लो लगा लो, मैया जी से लगाने लगा लो। पंजाब के सरहिंद शहर के नैना देवी मंदिर तक पहुंचना बहुत ही आसान है। सरहिंद पंजाब के अनेक नगरों से सीधा जुड़ा है। सड़क मार्ग से सरहिंद जाने के लिए चंडीगढ़, लुधियाना, रूपनगर, अंबाला आदि से सीधी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। रेल मार्ग से भी सरहिंद जाया जा सकता है। दिल्ली से सरहिंद रेल सेवा उपलब्ध है।